हेलो एवरीवन, मायसेल्फ पुलकित शर्मा, आई एम द फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपके स्टेट में कितनी गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीटें हैं, कितनी प्राइवेट एमबीबीएस की सीटें हैं, कितने गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज हैं, कितने प्राइवेट के एमबीबीएस के लिए कॉलेजेस हैं। क्योंकि जब अपन प्रिपरेशन करते हैं तो इस डाटा में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। एग्जैक्ट डाटा आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। कहीं पे आपको टोटल 1 लाख सीटें बताई जाती हैं, कहीं पे 80,000 बताई जाती है। उसमें भी आपको नहीं पता आपके काम की सीटें कितनी है। मतलब आप गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए देख रहे हो तो आपको नहीं पता होता कि आपके काम की सीटें कितनी है, गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट्स उनमें से कितनी है। तो आज के वीडियो में स्टेट वाइज सीटों की बात करेंगे, हर स्टेट में कितनी गवर्नमेंट की सीटें हैं, कितनी प्राइवेट की सीटें हैं, कितने कॉलेजेस हैं स्टेट वाइज, उन सभी के बारे में बात करेंगे और ऑफिशियल डाटा के बारे में बात करेंगे जो इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवा रखा है। उस डाटा के बेसिस पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा देखिएगा जिससे कि आपको क्लियरिटी आ जाए आपकी कितनी सीटें हैं, ठीक है। क्योंकि आपको नंबर ऑफ सीट्स पता होगी, उसी अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करोगे नीट की, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी कॉलेज में जैसे 100% सीट होती है, टोटल 100 सीट्स है किसी भी कॉलेज में, उसमें से आपको पता होगा 85% सीटें स्टेट कोटा में जाती है और 15% सीटें ऑल इंडिया कोटा में जाती है। मतलब मैं किसी कॉलेज की बात करूँ, जैसे कोई राजस्थान का कॉलेज है, राजस्थान के किसी कॉलेज में अगर 100 सीटें हैं तो 85% सीटें, मतलब 85 सीट्स उन 100 सीटों में से राजस्थान के बच्चों के लिए रिजर्व है, वो राजस्थान की मेरिट के हिसाब से मिलेंगी और 15 सीटें ऑल इंडिया कोटा की रैंक के हिसाब से मिलेंगी। तो आपके स्टेट कोटा में अगर नंबर ऑफ सीट ज्यादा है, नंबर ऑफ कॉलेजेस ज्यादा है, तो आपके लिए सीटें ज्यादा अवेलेबल होंगी स्टेट कोटा के थ्रू। और कंपटीशन भी आपका सिर्फ अपने स्टेट के बच्चों से है, ऑल इंडिया के बच्चों में की सीटें अलग है, 15% सीटें अलग रिजर्व है। स्टेट में आपकी 85% सीटें आपकी स्टेट रैंक से मिलेगी, चाहे आपके स्टेट के बच्चों ने खराब परफॉर्मेंस करा हो नीट के अंदर, फिर भी 85 सीटें तो आपके स्टेट के बच्चे ही लेंगे, ठीक है। इसलिए जानना जरूरी है कि स्टेट कोटा में कितनी सीटें, ऑल इंडिया कोटा में कितनी सीटें आपकी जाती है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं स्टेट वाइज कितनी सीटें हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का ये नोटिस है, ठीक है। ये जो लोकसभा में जो क्वेश्चन हुए थे 22 जुलाई का ये आंसर दिए थे लोकसभा में, उनके बेसिस पर ये है, ठीक है। तो इसमें अपन बात करते हैं आपके स्टेट वाइज सीट्स की बात करते हैं, स्टेट वाइज कितनी सीटें, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अंडमान और निकोबार में सिर्फ एक गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें आपकी 100 सीट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में देखो बहुत सारी गवर्नमेंट सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में आपको 13 सीट गवर्नमेंट कॉलेज हैं और लगभग 2,500 के आसपास गवर्नमेंट सीट है और 18 प्राइवेट कॉलेजों में आपकी 2,850 प्राइवेट सीट है। टोटल आपकी 5,335 है, ठीक है। गवर्नमेंट और प्राइवेट का नंबर आपको अलग अलग देखना है। इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में एक गवर्नमेंट कॉलेज है, 50 सीट्स है, ठीक है। आसाम की अगर मैं बात करूँ तो 9 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, 1,150 सीटें हैं, प्राइवेट कॉलेज आपका आसाम में नहीं है। बिहार की अगर मैं बात करूं तो बिहार के 12 कॉलेजेस में आपकी 1,515 सीटें और 8 प्राइवेट कॉलेजों में 900 सीटें हैं, ठीक है। तो आपके टोटल कॉलेज है 20 और जो सीट्स है आपकी 2,415। अब देखो इसमें से एक्चुअली क्या है, नीट 2020 का जब एग्जाम होता है उसके बाद में कुछ स्टेट में कुछ नए कॉलेजेस भी खुले थे, 1, 2, 3 कॉलेज नए कुछ स्टेट्स में खुले हैं, वो इसमें इंक्लूड नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ये नोटिस आपका 22 जुलाई का है, ठीक है। उसके बाद में कुछ कॉलेजेस खुले तो उनको आपको ऐड करके नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा, ठीक है। ऑफिशियल अगर डाटा की मैं बात करूं तो अभी जो 22 जुलाई 2022 के बेसिस पे अगर बात करें तो इतने कॉलेजेस थे। इसमें कुछ कुछ एक एक दो दो कॉलेज किसी किसी स्टेट में नए ऐड हुए हैं, ठीक है। चंडीगढ़ में एक कॉलेज है जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज है, 150 सीट्स है। छत्तीसगढ़ में 8 गवर्नमेंट कॉलेज है, 965 सीट्स है। 4 प्राइवेट कॉलेज में 600 सीट है, टोटल 1,500 के आसपास सीटें हैं। दादर एंड नगर हवेली में आपकी एक गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें 150 सीट्स है, ठीक है। दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में देखो कट ऑफ हाई जाती है, दिल्ली में कंपटीशन ज़्यादा रहता है क्योंकि गवर्नमेंट सीटें थोड़ी सी कम है। 8 ही कॉलेज हैं जिनमें से 1,247 सीटें हैं, 2 प्राइवेट कॉलेज हैं जिनमें 250 सीटें, टोटल 1,500 के आसपास सीटें हैं। गोवा में एक गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें 180 सीट्स है। गुजरात में 18 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कुछ कॉलेजेस इस बार भी खुले थे, 18 कॉलेज में आपकी 3,700 सीटें हैं, 13 प्राइवेट कॉलेज में 2,000 सीटें, टोटल 5,700 सीट्स हैं। हरियाणा में 5 आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिनमें 710 सीट है, ठीक है। कुछ कॉलेज आपके इस बार भी खुले थे, 7 में आपकी प्राइवेट कॉलेज 7 है जिनमें से 950 सीट्स है, टोटल 1,650 के आसपास सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश में 7 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, 770 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर में 9 गवर्नमेंट कॉलेज है, 1,000 के आसपास सीटें हैं।
झारखंड में 7 कॉलेज है जिनमें से 680 सीटें हैं गवर्नमेंट की। मैं गवर्नमेंट की आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे होंगे वो गवर्नमेंट MBBS के लिए देख रहे होंगे। कर्नाटका स्टेट अगेन बहुत ज़्यादा सीटें हैं, साउथ साइड के जो स्टेट्स हैं उनमें गवर्नमेंट MBBS की बहुत सीटें हैं, प्राइवेट की भी बहुत सारी सीटें हैं। कर्नाटका की अगर आप बात करोगे तो लगभग 10,000 टोटल सीटें हैं जिनमें से आपकी 3,000 से ऊपर गवर्नमेंट MBBS की सीटें, इसलिए साउथ साइड के स्टेट्स की कट ऑफ कंपेरेटिवली कम रहती है। नॉर्थ इंडिया के स्टेट जैसे राजस्थान हुआ, दिल्ली हुआ, हरियाणा हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, यहाँ की कट ऑफ कंपेरेटिवली ज़्यादा रहती है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बताया था स्टेट कोटा की क्या इंपॉर्टेंस है। ऑल इंडिया कोटा की तो कट ऑफ सबके लिए इक्वल है, पर स्टेट कोटा की कट ऑफ स्टेट वाइज वेरी करती है। जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है अगर वो कर्नाटका का है तो उसको कम स्कोर करना पड़ेगा गवर्नमेंट MBBS कर्नाटका में लेने के लिए, और वो दिल्ली का है तो उसको बहुत ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा दिल्ली के स्टेट कोटा से कॉलेज लेने के लिए, जबकि दोनों की कैटेगरी सेम है। तो स्टेट कोटा की ये इंपॉर्टेंस है। केरला की अगर बात करें तो 10 कॉलेज में 1550 के आसपास सीटें, MP में 14 कॉलेज में 2180 के आसपास गवर्नमेंट सीटें। महाराष्ट्र में देखो बहुत ज़्यादा कॉलेजेस हैं आपके, महाराष्ट्र और UP इनमें भी बहुत ज़्यादा कॉलेजेस हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में 29 कॉलेज हैं, 4825 आपकी गवर्नमेंट सीटें हैं। सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट सीटें अगर बात करें तो तमिलनाडु और महाराष्ट्र के अंदर ही आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। 33 प्राइवेट कॉलेज है, टोटल 10,000 के आसपास आपकी सीटें हो जाती है। जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं जैसे मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, यहाँ पे 1-2 कॉलेज ही है जिनमें आप सीटें देख सकते हो। मणिपुर में 225, मेघालय में 50, मिजोरम में आपकी 100 सीटें हैं। उड़ीसा की बात करें तो 9 कॉलेजेस हैं, ठीक है, कुछ कॉलेज आपके इस बार भी खुले थे। 9 कॉलेजेस में आपकी सीटें हैं, आप देख सकते हो 1375 सीटें हैं। पांडुचेरी पे, पुडुचेरी में आपकी 2 कॉलेज हैं जिनमें 380 सीटें हैं। पंजाब में आपके 5 कॉलेज हैं, 800 सीटें हैं। राजस्थान में इस बार आपके कुछ 4 कॉलेज और वापस इस साल खुले हैं नए, अब 21 कॉलेजेस हो गए हैं। 17 कॉलेज में अभी तक 3055 सीटें थी। सिक्किम में कोई कॉलेज नहीं है, और आप तमिलनाडु में देखोगे तो बहुत सारे गवर्नमेंट सीटें आपको देखने को मिलेंगी। 38 कॉलेज हैं, ठीक है, जिसमें आपको 5225 सीट्स है। तेलंगाना में भी अगेन आपके कुछ कॉलेज इस बार खुले हैं, 11 कॉलेज है जिनमें से 1840 सीट है। त्रिपुरा में 1 कॉलेज है जिसमें 125 सीट है। UP में आपके पिछली बार नीट 2021 हुआ था जब कई सारे कॉलेजेस खुले थे उस साल, तो 35 कॉलेज का नंबर हो चुका है गवर्नमेंट का, और जो गवर्नमेंट सीट है वो 4300 है। उत्तराखंड में आपकी 5 कॉलेज है जिनमें 700 सीट्स हैं। वेस्ट बंगाल में 20 कॉलेज है जिनमें आपकी 3225 के आसपास सीट है। टोटल गवर्नमेंट सीट की अगर मैं बात करूं तो आपकी 48,000 के आसपास गवर्नमेंट सीटें हैं, जो कि अब नंबर इंक्रीज हो चुका है लगभग। ये सीटें अगर मैं बात करूं तो 52,000-53,000 के आसपास अब की सीटें हो चुकी है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कुछ कॉलेज इसमें ऐड हुए हैं, मतलब जुलाई के मंथ से लेके और दिसंबर के मंथ के अंदर, पिछले 6 महीने के अंदर, पर उनका ऑफिशियल डाटा एक साथ कंबाइंड करके गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज नहीं हुआ है। तो आप मान के चल सकते हो 52,000 के आसपास आपकी गवर्नमेंट MBBS की सीटें हैं, और प्राइवेट की अगर मैं बात करूं तो 43,000 के आसपास आपकी सीटें हैं। टोटल आपकी जो सीटें वेरी करती है, ठीक है, जो एडजेक्ट डाटा का मर्ज करके अगर मैं बात करूं तो लगभग आपकी 95,000 से लेके और आपकी 1,00,000 के बीच में टोटल MBBS की सीटें हैं, जिसमें से आपकी 52,000-53,000 गवर्नमेंट MBBS है और 45,000-47,000 आपकी प्राइवेट MBBS की सीट है। आप देख सकते हो जिस स्टेट से बिलोंग करते हो जहाँ पे सीटें कम है वहाँ पे आपको ज़्यादा पढ़ना होगा, क्योंकि वहाँ पे कॉम्पिटिशन ज़्यादा होगा। नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हो तो नॉर्थ इंडिया की कट ऑफ आप पिछले सालों की देख सकते हो, ठीक है, क्या कट ऑफ रहती है। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो किस स्टेट से बिलोंग करते हो, ठीक है, और अपना बता सकते हो कि आपकी स्टेट की कट ऑफ कैसी जाती है वहाँ पे आपको, क्योंकि कट टू कट कंपटीशन होता है नीट के अंदर, ठीक है। कुछ स्टेट की कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, कुछ की कंपेरेटिवली कम जाती है। तो ये कट ऑफ थी आपकी, सॉरी ये सी नंबर ऑफ सीट्स थी आपकी स्टेट वाइज कट ऑफ। आपको अगले वीडियो में स्टेट वाइज अगर आप बोलोगे कमेंट सेक्शन में तो वो बता दी जाएगी, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।